हाय फ्रेंड दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार गुर्जर। आज अपना 8 जुलाई को इंटरव्यू हो गया है, तो बार बार जो पूछ रहे फ़ोन कर करके यार, तो उनको मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही बता दूँ। तो मेरा फर्स्ट बोर्ड में तीसरा मेरा ही था, तो जैसे ही अंदर घुसे एंट्री, तो फर्स्ट बोर्ड में जो मेरे थे राजकुमारी थी और एक कोई IPS थे साइड में, नए थे उनके, एक साइड में और कोई अधिकारी थे और उनके दूसरी साइड में इधर राइट में एक मैडम और थी, तो चार थे एक बोर्ड में। मास्क लगा के जाना है, वो बाहर से ही आपको सब व्यवस्था कर देंगे, उसके नो टेंशन लेना है। और बहुत इजी सवाल पूछ रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत घबरा रहा था, मैंने भी दुनिया भर के संविधान सब कुछ पढ़ के मतलब हो गया, और वहाँ जो पूछा तो ये लगा लो जब दो तीन मिनट थोड़ा ऐसा लगता है, पर बाद में एकदम ऐसे हो जाते हैं, मज़ा सा आने लग जाता है। 15 मिनट का पता ही नहीं चला कब निकल गए। तो फर्स्ट में ना कोई नाम पता ना कुछ भी आपके बारे में नहीं पूछ रहे थे, मुझे जाते ही पूछा आपने 10वीं कहाँ से करी है, कि श्रीमान जी गवर्नमेंट स्कूल अलवर के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10वीं करी है। 12वीं कहाँ से करी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से 12वीं करी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने, अच्छा आपने डिप्लोमा और किया है, तो मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा था, उनकी IT ब्रांच से सर मैंने 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है। अच्छा, तो आप 2011 से पुलिस में हो, ये सारे सवाल मैडम ने पूछे थे बीच में जो बैठी थी उन्होंने ही। 2011 से आप पुलिस में हो तो आपने BA कैसे किया? फिर मैडम मैंने विभाग से परमिशन लेके नॉन कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2013 में मैंने BA किया है। जो साइड में जो अधिकारी बैठे थे पुलिस में, उन्होंने पूछा अच्छा आप 2011 से पुलिस में हो, आपको इतना अभी आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है? मैंने कहा था मेरी हर जगह पुलिस लाइन से लेके थानों से लेके और SP ऑफिस सब जगह मैंने काम किया है। अच्छा, तो ये बताओ ये पुलिस में CCTNS क्या होता है? तो मैंने बता दिया श्रीमान जी ये एक ऑल इंडिया सर्वर है जिस पे हम ऑनलाइन FIR वगैरह काटते हैं, रोजनामचा काट सकते हैं, और जो भी एक क्रिमिनल है उसकी रिपोर्ट रहती है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। बोला ठीक है। फिर मैडम ने मुझसे सवाल किया कि ये जो थानों में महिलाएँ आ रही हैं उनका अक्सर विरोध करते हैं जेंट्स से, क्या ये सही है? तो मैंने कहा मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने 8 साल की सर्विस में ऐसा कहीं नहीं देखा है कि महिलाओं का विरोध किया जाए, बाकी बल्कि उनका सम्मान किया जाता है, और उनके बगैर तो ड्यूटी संभव ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे काम पड़ते हैं किसी महिला को लाना हो या किसी ऐसे मुकदमे हों जिनमें महिला कॉन्स्टेबल बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और आज तो जो भी ड्यूटियाँ हो रही हैं आजकल, उनमें महिला कॉन्स्टेबल हैं जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रही हैं, और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो मेरे इस जवाब को सुनकर वो दोनों महिलाएं मुस्कुराने लग गई थी। उसके बाद पूछा अच्छा आप अलवर से हो, अलवर में क्या क्या चीज़ फेमस है? मैंने बता दिया उनको श्रीमान जी अलवर में वाला किला है, कंपनी गार्डन है, सरिस्का अभ्यारण है, प्राचीन भर्तृहरि का मंदिर है। अच्छा, और एक मूसी महारानी की छतरी है। तो मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? श्रीमान जी मूसी महारानी थी जो बख्तावर सिंह की पासवान थी, और उनके सुपुत्र विनय सिंह जी ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। अच्छा, तो उसके बाद जो दूसरे थे मेरे साइड में, मतलब बीच वाली मैडम के पास में थे दूसरे अधिकारी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसी गांव में आप अकेले हो और उस समय आप अकेले की ड्यूटी है, तो आप गाँव की सुरक्षा कैसे करोगे? तो मैंने बोला श्रीमान जी मैं गांव वालों को अपने भरोसे मिलूँगा, उनसे अच्छा व्यवहार बनाऊँगा, और मैं ऐसा उनसे व्यवहार बनाऊँगा कि मेरी एक आवाज़ में गांव इकट्ठा हो जाए, और उनमें से मैं कुछ लोगों को चुनूँगा जो विश्वासपात्र रहेंगे, और उनसे मैं गांव की भी सुरक्षा करवाऊँगा और अपनी भी सुरक्षा करवाऊँगा, अपने साथ भी रखूँगा। तो इससे वो उनका ठीक है। फिर जो अलग साइड में उनके बाईं तरफ बैठे थे मैडम के, उन्होंने मुझसे पूछा कि राजकोप क्या है? तो मैंने कहा श्रीमान जी ये राजकोप, ये कोरोना जो महामारी के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसके तहत जो भी मतलब अदर स्टेट से आने वाले अदर स्टेट जाने वालों के लिए परमिशन इशू करने के काम आता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उनके बाद किया था कि आप अच्छा ये बताओ अभी क्या ड्यूटी कर रहे हो? सर अभी तो कोरोना ड्यूटी चल रही है, तो अभी अनुभव किस चीज़ का है? मैंने कहा अभी तो दो महीने से सर मैंने कोरोना में ड्यूटी किया। अच्छा वेरी गुड। तो और उसके बाद उन्होंने पूछा था आप IT ब्रांच से हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, पाइथन क्या होता है?
तो इसका जवाब मुझे नहीं आता था, मैंने बता दिया सॉरी सर मुझे नहीं आता। फिर उन्होंने सवाल किया कि एक नया पिस्टल का कारतूस है एक हाथ में मेरे और दूसरे हाथ में 9 mm का कारतूस है, तो उनमें आप अंतर कैसे करोगे। तो मैंने बोला श्रीमान जी ये पिस्टल में 9 mm का एक कारतूस आता है, पर वैसे शायद थोड़ा उनमें बहुत मामूली सा अंतर अगर हो सकता है, अगर हो तो नहीं, वैसे पिस्टल 9 mm पिस्टल ही होती है और उसमें 9 mm कारतूस आता है।